नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। इसमें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां एक अलदुआ फैक्ट्री है, जो मीट फैक्ट्री है, उसमें गैस रिसाव हुआ है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, वहां एक अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। उसके बाद हड़कंप समझ गया है, कई दर्जन लोग बेहोश हुए हैं और जब बेहोश होने वाले में ज़्यादातर महिलाएं हैं। आखिरकार ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी ज़्यादा जानकारी लेते हैं अपने यूपी हेड अवधेश भारद्वाज से। अवधेश, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, अवधेश, जरा बताइए, पूरा मामला बताइए कि पूरा मामला है क्या। रवि मैं बताऊं आपको, ये जो है अलदुआ फैक्ट्री है अलीगढ़ के अंदर, इसमें जो है मीट पैकेजिंग का काम किया जाता है। इसमें अचानक से जो है पाइप जो है वो लीक हुआ और उसमें से जो है अमोनिया गैस का जो है रिसाव होना जो है शुरू हो गया। और जब अमोनिया गैस का रिसाव हुआ तो उससे जो है काफी संख्या में जो वहां पर जो महिलाएं वर्कर थी, कुछ पुरुष वर्कर थे, वो सब काम कर रहे थे, उसमें वो लोग जो है बेहोश हो गए। जब इसका पता जो है प्रशासन को चला, मतलब उसका जो वहां पर मीट फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनको पता चला, तो उन्होंने तुरंत जो है एम्बुलेंस बुलाकर जो है अवधेश 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 इस समय जब जब वहां रिसाव हुआ तो किस तरह का माहौल था, उनको कैसे उपचार दिया जा रहा था, कैसे फर्स्ट एड दिया जा रहा था? जैसे ही मतलब जो है गैस रिसाव होनी शुरू हुई तो जो वहां पर वर्कर थे, अधिकांश महिलाएं वहां पर काम करती हैं, जो उसमें गैस के रिसाव होने के बाद जो है वो उनमें बेहोशी थी उनमें छाने लगी। अवधेश 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 मैं आपको अभी रोकता हूँ। देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसे महिलाओं का, अभी हमारे पास कुछ शॉट पहुंचे हैं जो हमारे रिपोर्टर ने दिए हैं, यूपी एड अवधेश भारद्वाज ने। ये देखिए, महिलाओं को किस तरह से कंधे से डाल करके ले जा रहा है एम्बुलेंस के, और एक अस्पताल है, वहाँ मेडिकल कॉलेज है, JN हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर लेके जाया जा रहा है। देखिए, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसे महिलाओं को फर्स्ट एड देने के लिए, जो बेहोश महिलाएं हैं उनको लेके जाया जा रहा है। अवधेश, आखिरकार इन महिलाओं को JN हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, कितनी महिलाएं हैं, कितने लोग हैं जो बेहोश हुए हैं? लगभग दर्जनों की संख्या में जो है ये जो महिलाएं हैं जो बेहोश हुई हैं, जो है उनका इलाज जो है मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है और जो है डॉक्टरों की टीम जो है पूरा जो है उनका ध्यान रख रही है। अवधेश में अवधेश अवधेश बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोक रहा हूं। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह कुछ बता रहे हैं मीडिया को, अभी वो सुन लेते हैं आखिरकार जिलाधिकारी अलीगढ़ क्या कह रहे हैं। एक मिनट, आप लाइन पर रहिएगा, अभी हम जरा DM को सुन लें। ये अलदुआ मीट फैक्ट्री है और अलदुआ मीट फैक्ट्री में पैकेजिंग का जो यूनिट है वहाँ पर जो लोग मजदूर काम करते थे उनमें अधिकांश महिलाएं थीं। अमोनिया गैस के पाइप के लीकेज के कारण कुछ लोग प्रारंभिक रूप से प्रभावित हुए थे अमोनिया गैस के लीकेज से, जिनको मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती करा के तुरंत उनका उपचार कराया गया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हमारे संपर्क में हैं, सभी खतरे से बाहर हैं, किसी को कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सभी की हालत सामान्य है। और मीट फैक्ट्री का निरीक्षण करके स्वयं देख लिया गया है फायर टेंडर के लोगों के द्वारा, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा और मजिस्ट्रेट्स की टीम के द्वारा कि अंदर कोई और तो शेष नहीं है। जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। तो पाइप के प्रथम दृष्टया जो पाया गया है वो पाइप के लीकेज के कारण, पाइप के फट जाने के कारण लिक्विड अमोनिया का रिसाव हुआ और लिक्विड अमोनिया जब वेपराइज हुई तो उसके कारण अमोनिया गैस बनी, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। उन सबको अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया जा चुका है और अस्पताल को और फैक्ट्री को विजिट कर। जैसा कि DM अलीगढ़ बता रहे थे कि एक हादसा हुआ है अमोनिया गैस के लिए, अवधेश असल में ये सब मामला हो रहा है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, एक तड़ा मामला हो गया। आखिरकार प्रशासन कहाँ था, इस तरह के अमोनिया गैस रिसाव हो गया, समय समय पर फैक्ट्रियों का विजिट होना चाहिए था, क्या इसमें कहीं कुछ लापरवाही है? जाहिर सी बात है, इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही तो अपने आप में जो है साफ नजर आ रही है। जहां पर जो है समय समय पर जो है फायर ब्रिगेड वगैरह है या और जो इनके जो फैक्ट्री में जो इस तरह की जो गैस के रिलेटेड अधिकारी होते हैं वो नियमित जो है चेकिंग करते हैं, इस तरह से नियमित चेकिंग का ना होना ही अपने आप में इसका पता चलता है कि पाइप आखिर लीक हुआ कैसे, कैसे वो लीक हो गया। इतनी बड़ी जो है अमोनिया गैस जिससे जो है बड़ी त्रासदी हो सकती थी, आपने देखा होगा कि भोपाल जैसा कांड, भोपाल में भी इस तरह का पहला कांड हुआ था जिसमें काफी संख्या में लोगों की जान गई थी। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो है जो जो फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं, कुछ प्रशासन के जो आए लगातार जो है चेकिंग करते हैं इन चीजों की, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही इसमें जो है साफ नजर आ रही है। अवधेश, आपने पूरी जानकारी दी इस मामले पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल, अलीगढ़ का ये जो कांड हुआ है, अलदुआ जो मीट फैक्ट्री है उसमें अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, और रोरावर थाना है जहां ये अंतर्गत फैक्ट्री आती है, आखिरकार ये भी प्रशासन को सोचना होगा कि समय समय पर जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनका विजिट करके आगे इस तरह घटना ना घटें उन पर ध्यान रखना होगा।